हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.0 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को लाए हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है, आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, वीडियो को बने रहे। हमने कहा था कि आपसे कि हम बोर्ड पर भी आते रहेंगे, आप आ चुके हैं आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने के लिए, तो वीडियो पर बने रहे। अब वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, देयर का जो प्रयोग होता है, बेसिकली अगर किसी भी वाक्य में अगर देयर का प्रयोग करना हो तो वहां के लिए तो देयर का प्रयोग होता है। लेकिन देयर का प्रयोग वाकई में किया कैसे जाता है, जब हमारा किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं रहता है, मींस व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द सेंटेंस, यानी जब किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं रहता है, तो ऐसे वाक्य की शुरुआत हम देयर से करते हैं। ठीक है, और देयर का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों में किया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो देयर में इसके दो सहायक क्रिया होती है, इज और आर, यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कब, जब किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं रहता है तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आ गया, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और प्रेजेंट टेंस जब हो गया तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी इज और आर। वही अगर था थे आ गया तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी वाज और वर, यानी कि देयर के साथ वाज वर का प्रयोग किया जाएगा। एक वचन के लिए वाज का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि प्रेजेंट टेंस में देयर का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देयर का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है, यानी ऐसे वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि कर्ता का अभाव होता है, तो ऐसे वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं, देयर से करते हैं। ठीक है, वीडियो पर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहां से जो भी अपडेट आपको भेजी जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए चलते हैं बोर्ड की तरफ, और आज हम सीखेंगे देयर का प्रयोग। देखिए, देयर का जो प्रयोग है, सबसे पहले तो इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे। सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस होगा क्या, देखो, ऐसा वाक्य जिसमें वाक्य के अंत में है आ जाए, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा, और इसकी जो सहायक क्रिया होगी इसके लिए लगाएंगे इज और आर, यानी कि इज और आर का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का, और इज का प्रयोग किसके लिए करेंगे, एक वचन के लिए, यानी जो उसमें आपको अनाउंस दिया रहेगा अगर एक वचन रहेगा तो इज लगाएंगे, और यही अगर बहुवचन रहेगा तो बहुवचन के लिए आप क्या करोगे, आर का प्रयोग करोगे। ठीक, कब, जब वाक्य के अंत में आ जाए है, तो है आएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, और प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे कि दो सहायक क्रिया है इज और आर, एक वचन के लिए इज का प्रयोग और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका अगर हम रूल लिख दें पार्ट वन का, मीन्स पॉजिटिव का, तो देखो इस रूल के सहारे ही क्या करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका देयर, और देयर के साथ लगा देंगे हम दो सहायक क्रिया इज और आर। ठीक, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लिखेंगे, देन आफ्टर रिमेनिंग, यानी कि शेष वाक्य जो बच जाएंगे वो लिख जाएंगे आपका रिमेनिंग में। ठीक है, रिमेनिंग शेष वाक्य, अब यही जो है आपका ये रूल हो जाएगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का मतलब कि जब है आए, वाक्य के अंत में क्या है आए। ठीक है, अब जैसे अगर एक सेंटेंस हम यहां पर लिखें छोटा सा, अगर कह दे कि एक राजा है, बहुत सिंपल, देखिए बहुत सिंपल से आपको एडवांस तक ले चलेंगे। ठीक है, एक राजा है, तो इसमें कोई कर्ता दिखाई दे रहा है, नहीं, कर्ता उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है। जैसे कह दे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है, मोहन करता है, तो मोहन कर्ता हो गया। लेकिन यहां पर कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो किसी काम को कर रहा है, तो ये जो है इसमें है आ गया है और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यह यूज है किसका, देयर का। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ना हो और वाक्य के अंत में है आ जाए, तो वह देयर का प्रयोग है और प्रेजेंट टेंस का। इसमें दो सहायक क्रिया होगी,
एक होगा इस और एक होगा आपका आर। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो देखो एक राजा है, एक राजा का मतलब हो गया कि सिंगुलर नंबर, एक वचन, एक वचन में तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस का प्रयोग होगा। हमने बताया अभी कि इसकी दो सहायक क्रिया होगी इज और आर, एक वचन में इज का प्रयोग होगा, बहुवचन में आर का प्रयोग होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर मैं बना देता हूं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे देयर, अब एक है तो लगा देंगे इज, देयर इज। ठीक है, अब दोनों में से एक लग गया हमारा, देखो देयर आपने लगा दिया, इस दोनों में से एक लगा दिया आपने, क्योंकि इसमें दिया है सिंगुलर नंबर, एक राजा सिंगुलर नंबर हो गया तो इज हो गया। अब जो बचा है उसको लिख देंगे ए किंग, ये हो गया आपका देयर इज ए किंग, एक राजा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाते हैं, अब अगर लिख दें हम कक्षा में दो लड़के हैं, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर समझिएगा एकदम। ठीक है, अब इसमें देख लो कक्षा में दो लड़के हैं, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी कोई कर्ता नहीं है, कर्ता वो होता है जो किसी काम को करता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें है दिया है, ठीक है, और इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यह आपका देयर का प्रयोग हो गया, और कौन सा टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में क्या आया है आया है। अब इसको बनाएंगे तो देखो हमें मेन जो फोकस करना है ऑब्जेक्ट को, इसमें क्या दिया है दो लड़के, तो दो लड़के हो गया तो ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए क्या लगा हो गया आर लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, सबसे पहले तो लिखेंगे आप देयर, ठीक देयर हो गया, आप दोनों में से लगाएंगे चूंकि यहां पर बहुवचन आ गया, लगा दोगे क्या आर, देयर आर। अब जो दिया है उसको लिख देंगे आप टू बॉयस, ठीक। अब जो रिमेनिंग शेष वाक्य बचा है क्या लिखा है कक्षा में, इसका हो जाएगा इन द क्लास, ये हो गया देयर आर टू बॉयस इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विद्यालय में कुल 10 अध्यापक, कुल 10 अध्यापक हैं। अब यहां पर भी देख लीजिए क्या दिया है, विद्यालय में कुल 10 अध्यापक हैं, यहां पर भी देयर का प्रयोग है, यह क्या है यह आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब यहां पर किया जाए 10 अध्यापक, तो 10 अध्यापक के लिए क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर हो गया तो आर का प्रयोग करेंगे, उससे पहले लगाएंगे आप क्या देयर, देयर के बाद लिख देंगे आर, कुल 10 अध्यापक तो हो जाएगा ऑल 10 टीचर्स। ठीक, अब रिमेनिंग शेष वाक्य क्या बचा है, विद्यालय में, तो लिख देंगे इन द स्कूल, ये हो गया देयर आर ऑल 10 टीचर्स इन द स्कूल। ठीक है, देयर का प्रयोग जब किसी वाक्य में कर्ता नहीं रहेगा और वाक्य के अंत में है रहेगा तो उसकी सहायक क्रिया इज और आर लगाएंगे, और वही अगर थाया जाए जिसको आगे हम पढ़ाएंगे तो उसके लिए वास वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और देयर वहां पर लगाते हैं जहां किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं होता, यानी कि वाक्य में जब कर्ता नहीं होता है तो ऐसे वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं, देयर से करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट बना लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, इसके बाद और आपको एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे अगर आ जाए नदी में बहुत पानी है, अब मान लीजिए ये आ जाए आपका नदी में बहुत पानी है, तो यहां आप देख लो इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और वाक्य में है आया है तो यह आपका देयर का प्रयोग हो गया प्रेजेंट टेंस में। ठीक है,
तो यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका, देयर का। ये हो गया आपका देयर। अब यहां पर देख लो, दिया है बहुत पानी, तो पानी हो, दूध हो, दारू हो, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देयर इसके बाद लगा देंगे इज। ठीक, देयर इज, देयर हो गया। इसके बाद हमने इसमें सिट लगा दिया, क्योंकि यह जो पानी है या दूध है, कोई भी चीज है ऐसा जो आता है नाउन, तो उसको हम एक वचन मानते हैं, तो देयर इज। अब इसमें जो दिया है ऑब्जेक्ट, देखो बहुत पानी, तो बहुत की दो मीनिंग्स होती है, हमने बताया हुआ है, एक होता है मच, एक होता है मेनी। यानी जब किसी ऐसा नाउन जिसको हम आसानी से गिन सके, तो बहुत के लिए मेनी लगाते हैं, और ऐसा नाउन जिसको हम गिन ना सके, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। तो पानी को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए लगाएंगे क्या, मच। देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर। अब जो शेष वाक्य है बच गया, उसको लिख देंगे नदी में, इसका हो जाएगा इन द रिवर। ये हो गया देयर इज मच वाटर इन द रिवर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, परिवार में कुल पांच सदस्य हैं। अब यहां पर आप देख लो, दिया परिवार में कुल पांच सदस्य है, ठीक है, आ गया। ये भी आपका देर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में यूज होगा इसका, ठीक है। तो तुरंत लगाएंगे क्या, आप देर लगाइए। अब यहां पर दिया पांच सदस्य, ये क्या हो गया, फिगर नंबर, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, आप आर लगाएंगे, देर आर। ठीक, अब जो दिया है उसको लिख देंगे फाइव मेंबर्स। अब शेष वक्त क्या दिया है, परिवार में, इसका हो जाएगा इन द फैमिली। ये हो गया देयर आर फाइव मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला, कक्षा में 20 लड़के एवं 10 लड़कियां हैं। अब ये भी आपका किसका प्रयोग हो गया, देर का प्रयोग आ गया, ठीक है, और देर के साथ इज आर लगाएंगे, क्योंकि इसमें है आया हुआ। तो सबसे पहले आप देर लिख लो। अब यहां पर दिया है 20 लड़के और 10 लड़कियां, तो पिलर नंबर हो गया था, इसके लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब जो दिया है उसको लिख लेंगे 20 लड़के एवं 10 लड़कियां, यहां पर लिख देता हूं नंबर में 20 बॉयज, ठीक, एंड 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स। अब जो बच गया कक्षा में, इसका हो जाएगा इन द क्लास। ये हो गया देयर आर 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन द क्लास। नेक्स्ट चलते हैं अगला, कुएं में गंदा पानी है, कुएं में गंदा पानी है, यहां पर भी लगाएंगे देयर का प्रयोग, देयर पानी है, इज हो जाएगा देयर इज डर्टी डर्टी वाटर, देयर इज डर्टी वाटर। अब कुएं में हो जाएगा तो लिख देंगे इन द वेल। ये हो गया देयर इज डर्टी वाटर इन द वेल। ठीक है, आई रिपीट अगेन, एक बार और कह देता हूं आपसे कि जब किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं रहेगा और वाक्य में है आ जाए, तो यह आपका
प्रेजेंट टेंस में देयर का प्रयोग है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत जो है आप किससे करेंगे, देयर से करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट में दो सहायक क्रियाएं आएंगे आपकी इज और आर। एक वचन नाउंस के साथ आप लगाएंगे इस, और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, अब और एग्जांपल देखिए। और एग्जांपल में जैसे मान लीजिए और आ जाए, मैदान में कुल 10 खिलाड़ी है। मैदान में कुल 10 खिलाड़ी है। यहां पर भी आप देख लो 10 खिलाड़ी है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का प्रयोग हो गया। बिल्कुल बिंदास देयर का प्रयोग लगाइए। अब क्या हो जाएगा इसका, जैसे आप लगा देंगे देयर, अब यहां पर दिया है 10 खिलाड़ी तो प्लूरल नंबर हो गया, तो क्या लगा देंगे आर, देयर आर 10 प्लेयर, देयर आर 10 प्लेयर्स हो गया। अब क्या दिया है यहां पर, जब कुल दिया तो यहां पर आर लिख लीजिएगा, देयर आर यहां मेंशन कर देता हूं आर 10 प्लेयर्स मैदान में, इसका हो जाएगा इन द फील्ड, ये हो गया देयर आर ऑल 10 प्लेयर्स इन द फील्ड। ठीक, नेक्स्ट अगला ऐसे सेंटेंस और देखिए, मेरे गांव में एक अच्छा डॉक्टर है, मेरे गांव में एक अच्छा डॉक्टर है। ठीक है, अब यहां पर आप देख लो है आ गया प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट कोई नहीं है तो देयर का प्रयोग हो गया, तुरंत आप देयर लगाओ। अब देयर के साथ क्या लगाएंगे, इस और आर में से क्या लगाएंगे, हम दिया एक अच्छा डॉक्टर, जब एक है उसके लिए क्या लगाएंगे इस, देयर इज, अब जो दिया है आपका नाउंस इसको लिख देंगे ए गुड डॉक्टर, ए गुड डॉक्टर, अब आ गया मेरे गांव में, इसका हो जाएगा इन माई विलेज, ये हो गया देयर इज ए गुड डॉक्टर इन माई विलेज। तो ऐसे यूज करते हैं किसका, देयर का। ठीक है, जहां सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऐसे वाक्य की शुरुआत आप प्रेजेंट टेंस में देयर से करने के बाद इज और आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम आपसे ऐसे ही बोर्ड पर भी मिलते रहेंगे, और आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। ठीक है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है एक लाइक करिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जुड़ने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो भेजी जाएगी उनको आसानी से पहुँच जाए। और जैसे कि हम टेंस पढ़ा रहे हैं, वॉयस पढ़ा रहे हैं, अब जल्दी ही हम आप लोगों के लिए नरेशन शुरू करने वाले हैं, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें, और कोई भी वीडियोस को फुल वॉच करें, फुल वॉच करेंगे नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको जो भी वीडियो मिलेगी एक कंसेप्ट में मिलेगा। ठीक है, वीडियो जो भी है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव ऐसे क्रम से मिलेंगे, इसमें से कोई आपको कटिंग नहीं मिलेगी, जो पढ़ने के लिए आप लोगों को बहुत ही बेहतर वीडियो होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ले वीडियो को आपने देखा, वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट करिए, कुछ सुझाव है तो उसको दीजिए, हम यहाँ से उसे हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले वीडियो को आपने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।